और आप जिनके लिए गीत लिखते हैं ना, वो भी हमेशा आपके साथ है, बस आंखों से दिखाई नहीं देती। बहुत समझ है तुम्हें तो मोहब्बत की दीना, मैं तो तुम्हें एक बेवकूफ सी लड़की समझता था। मोहब्बत अकलमंदों का शिवा थोड़ी ना होता है साहब, ये तो दीवानों की राह है, पुरसरार कठिन जान की बाजी कोई अकलमंद थोड़ी ना लगाता है। तुम और मकबूल कहां पर मिले थे? शादी आराम से हो गई थी या समाज की दीवार आड़े आई थी? बस हो गई थी साहब, अब तो पुरानी बात होगी, 5 साल हो गए। सन से इतनी दूर आ गए तुम लोग, किस इलाके के हो? वो साहब आपका फोन। से ये आखिरी रह गई है, ये भी और लानी पड़ेगी। बिजली भी तो इतनी जाती है ना, कोई चीज कितनी चल सकती है? अरे अच्छा हुआ जो सरू अदा जैन के साथ चला गया, वरना यहाँ गर्मी में रो रो के परेशान होता। कितना घुल मिल गया है ना उनसे, देखते ही उनके पास जाने की जिद करता है। यार भी तो इतना करते हैं सरू को, वैसे इंसान अच्छे हैं अदा जैन। इतने अच्छे इंसान से कुछ छुपा कर रखना अच्छा नहीं लगता मकबूल। क्या छुपा कर, साफ बात करो। वो हमेशा हमसे पूछते रहते हैं कि कहाँ से आए हो, कहाँ मिले, आते जाते क्यों नहीं। हम हमेशा उन्हें टालते रहते हैं, क्या सोचते होंगे वो कि हम उन पर एतबार नहीं करते। वो कुछ भी सोचे दीना, लेकिन लेकिन उन्हें बताने में कोई हर्ज नहीं है मकबूल, तो बहुत भले इंसान है, हमेशा हमारा अच्छा सोचते हैं। कभी कभी तो दिल करता है कि सब कह दूं उनसे, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। अच्छा अच्छा बस कर ले, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, अच्छी भली सुकून से यहाँ जिंदगी गुजर रही है, पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं है। बस वो माजी था, हम छोड़ के आ गए उसे। नाजी को ना पैसे जरूर दे दीजिएगा और उसको बोलिएगा कि वहां पहुंच के मैसेज करे, अपना फोन चार्ज रखे और चार्जर जरूर साथ लेकर जाए। अम्मी, अम्मी। हाँ बेटा। मैं इतनी देर से बोले चली जा रही हूँ, आपको जवाब नहीं दे रही, क्या बात है? कुछ नहीं, और क्या होना, ऐसे क्या देख रही हूँ? नहीं बताना चाहती ना, लेकिन कुछ है तो जरूर। रात को आपने खाना भी नहीं खाया,
और आप सोई भी ठीक तरह से नहीं। कुछ तो है जो आपको बहुत डिस्टर्ब किए जा रहा है। बताएं मुझे, मुझसे तो मत छुपाएं। बताएं अम्मी, क्या बात है, बोले। अरे आयमा बाजी, ये सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं आप? ऑफिस का तो यही वक्त होता है ना, और हमें कोर्ट पहुँचना होता है। फखर साहब के आने से पहले सारी तैयारी करनी होती है। सुबह सुबह वो भी मजदूरों की तरह, मैं तो कभी भी नहीं जा सकती। हर इंसान अपनी अपनी जगह मजदूर होता है। जब तुम काम करोगी तो तुम्हें पता चलेगा। एनीवेज, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। और हाँ, मैसेज करना, फोन बंद मत रखना अपना। अम्मी वो बात तो रह गई, चले शाम में आती हूँ तो बात करते हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है ऑफिस से। खैर से जाओ मेरी बच्ची। ओके, फोन ऑन रखना अपना। अम्मी नाश्ता बना दे मुझे प्लीज। वो मुझे सेलेक्ट कर लिया गया है, इसलिए आज मीटिंग के लिए आई हूँ। आज तो यहाँ पे कोई भी नहीं आया, और मैडम सेलेक्ट तो सभी हो जाते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि हमें टीवी शोज के लिए जरूरत होती है। जितने ज्यादा लोग हम सप्लाई करेंगे उतना ज्यादा कमीशन बन जाएगा हमारा। क्या मतलब है? आप लोगों ने तो एड में मेंशन किया हुआ था ना कि जो सेलेक्ट हो जाएगा उसको एक्टिंग और मॉडलिंग में चांस दिया जाएगा। अरे वो सब तो ऐसे ही लिख दिया जाता है, वरना फिर कौन आया हमारे पास? जब आपकी जरूरत होगी आपको बुला लेंगे, प्लीज जाएं यहाँ से। कोई जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए मुझे आपकी ये भर्ती वाली नौकरी, अपने पास ही रखें आप। एक्सक्यूज मी, आयमा की बहन है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? सही पहचाना आपने, मैं आपको जानती हूँ। आप फाखिर है ना, जैन भाई के दोस्त, उनके बैंड में उनके साथ होते हैं। था, मगर अब नहीं हूँ। हमारा बैंड खत्म हो गया है और जैन भी लाहौर शिफ्ट हो गया है, सब बिखर गया है। ये तो है। खैर आप यहाँ कैसे, किसी नौकरी की तलाश में आए हुए थे? कौन मैं? नहीं नहीं, नौकरी की तलाश में नहीं, मुझे तो बस मुझे जरूरी काम था इनसे, इसलिए मैं चला आया। ओ भाई, तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ तुम्हारे मतलब की नौकरी नहीं हमारे पास, दिमाग मत खाओ, जाओ यहाँ से। मैं देखता हूं तुझे। एक नंबर के झूठे और थर्ड क्लास लोग हैं ये, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आप इनके झांसे में मत आइएगा, ऐसे ही मायूसी होगी आपको। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मैंने इस जॉब से बहुत उम्मीदें रखी थी, और तो और मैंने इंग्लिश भी पढ़नी शुरू कर दी थी, लेकिन इन लोगों ने तो सारी उम्मीदों पे ही पानी फेर दिया। देख लेना, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगी, जिंदगी भर ना आयमा बाजी पे बोझ बनी रह जाऊंगी। कोई काबिलियत नहीं है मुझमें, कोई जॉब नहीं देगा मुझे। अब ऐसा भी नहीं है, आप कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो रही हैं। एक मिनट, आप मेरे साथ चलेंगी? किधर? अच्छा आप आए तो सही ना, प्लीज आए। अब जल्दी करना यार। अरे बहुत शुक्रिया भाई। आप अरे ट्राई करो ना, बहुत अच्छा बर्गर है। Try
आपको जॉब की जरूरत है ना, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको जॉब दिलवाऊंगा। बहुत कॉन्टेक्ट है मेरे। आप वाकई मुझे जॉब दिलवा सकते हैं? एक सेकेंड, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? क्योंकि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। इसमें यकीन ना करने वाली क्या बात है? आप वो असल में जैन भाई अब तक कुछ कर नहीं पाए और आप भी तो उनके पक्के दोस्त हैं ना। अरे रिक्शा, अच्छा चलें मैं चलती हूँ। आपने खाया ही नहीं? नहीं नहीं मुझे नहीं खाना। खुदा हाफिज। रिक्शा खाली है? अच्छा चलें मैं बताती हूँ। चल